श्रीमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा अरुणबिंबफला धरो कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं
न जाने कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरांतये अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः मधुरा पानी मधुरा पादो
सत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा रिचि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा सृष्टे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं श्रीराधा मधुरं कृष्णं मधुरं श्रीराधा मधुरं कृष्णं मधुरं रामं मधुरं शरणं मधुरं रामं मधुरं शरणं मधुरं सत्यं मधुरं प्रेमं मधुरं सत्यं मधुरं प्रेमं मधुरं सद्गुरु मधुरं आनंदं मधुरं सद्गुरु मधुरं आनंदं मधुरं सर्वं सब काम हो रहा
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा दया आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही, मेरी नाव चल रही, मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब
सरोकार भी नहीं है किसी और चीज की, अब सरोकार भी नहीं है तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरे गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी गान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा, मेरी जिंदगी बदल करके इशारा, एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, करते वो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा, सब गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद।
सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। औरों को जो मिला है मुकद्दर अपने से ही मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर अपने से ही मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर तेरे दर से ही मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर तेरे दर से ही मिला है। तेरी कृपा से दास अब मालामाल हो रहा, तेरी कृपा से दास अब मालामाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, नाम हो रहा है, हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आदरणीय बहन श्रीमती किरण शाह जी, मेरे आत्माभिन्न आत्मप्रिय आदरणीय श्री सेजुल भाई शाह के निवास स्थल पर नवदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की अष्टम संध्या में व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं भक्तिमती माताओं धर्मनिष्ठ सज्जनों पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती हैं। स्वीकार कीजिएगा। विश्वभर में विज्ञान के माध्यम से फेसबुक पेज इटर्नल वॉइस और यूट्यूब चैनल इटर्नल वॉइस पर सत्संग का श्रवण कर रहे समग्र साधक जो विभिन्न समय सारणी पर
विश्राम परित्यागी होकर सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे सत्संग से लाभान्वित होने वाले सभी साधकों के श्री चरणों में विज्ञान के माध्यम से सादर प्रणाम और वंदन स्वीकार कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आनंद का प्राकट्य है, और जीवन में जब आनंद उतर आए तो माया का प्रभाव कम होता है। आनंद ही माया को कम कर सकता है, लेकिन जीवन में आनंद न हो तो माया प्रभावी रहती है। माया व्यक्ति को गुमराह करती रहती है, इसलिए जीवन में आनंद की उपलब्धि के लिए ही हमें सारे पुरुषार्थ करने चाहिए, और जो आनंद के पथ पर चले, आनंद की प्राप्ति के लिए ही सत्कर्म करे, वही पूर्ण आध्यात्मिक साधक है। And there is a lot of difference between religious people and spiritual people. The religious people, those who follow rituals, and they are caught in rituals. They don't grow above it. They can never be spiritual. Their life is full of superstitions, fears. But spiritual people don't fear anything. And very sorry to say, they are never ritualistic. They are beyond rituals. Mandir mein diya jala diya, lekin apna diya kabhi nahi jaga. Mandir mein phal chadha diye, lekin swayam chaturvidh purusharth ke phalon ko kabhi prapt nahi kiya. Dharma, arth, kaam, moksh. सबसे बड़ा फल था मोक्ष, उसके लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। बिल्व पत्र चढ़ाते रहे, लेकिन नेवर अवेकन देयर ओन सिक्स्थ सेंस। क्या जीवन में कर्मकांड तुम्हें कहीं पहुंचा सकता? उपनिषद ही बोलता है, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया सितः कृतः कृतेन तद्विद्धि ज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित्पाणिहि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी इन किंडरगार्टन? हाउ मेनी इयर्स? नो वन नोस। यू जस्ट वेंट देयर एंड केम आउट। सो अनफॉर्चुनेट। You don't know about that? How many years did you spend there? Year, couple of years, 3 years, 4 years? 4 years? My God, you're too slow. How many years did you spend? A year or a year and a half? And how long do you aim to be there? And remember, ritualistic people are just kindergarten people. Make a mark of my words. And some people have been there for 80 years. Imagine the plight. I pity them. Where there's no knowledge, where there's no wisdom. You've been doing that little ritual over and over and over and over again without understanding 0.0001% of it, what it is. If I ask you, why do you do that? Can you answer me? My dear, out of this entire crowd, there will be not a single person, if I ask you, why do you do certain things, you'll be able to answer me. But you still do them. When you go to a doctor, first you search them on Google, how they are. Do you? Do you read their rankings, their testimonies,
Do you do that? I do that. I don't want to be in hands of a fool who doesn't know what he's going to do. When you go to a doctor, you want to see whether he knows, whether he means business. He knows what he's going to do. That's the first thing you check. And similarly, without wisdom, life is zero. If you don't know what you do, and certain people, those who are practicing ritualistic practices, they themselves don't know. Very good doctors. They just open you up and they don't know how to stitch back. They open up everything in you. My God, plight of such people. I just think and it gives me goosebumps. Gyan ke bina. Lord Krishna in Bhagavad Gita chapter number 4 says, Nahi gyanen sadrisham pavitrami havidyate. There's nothing like knowledge in this world. Nothing can match knowledge and wisdom in this world. Agar kuch karna hai, to dharmik nahi, adhyatmik bani. Religious nahi, ritualistic nahi, spiritual bani. और ये बहुत आवश्यक है. और भगवान कृष्ण ने आजीवन इसका खंडन किया. इसका खंडन करने वाले कृष्ण स्वयं हैं. जब इंद्र को 56 भोग लगाया जा रहा था, किसने खंडन किया था? आप गए थे या मैं गया था? बोलो ना जी. ठाकुर जी स्वयं गए. भगवान का प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में. अनेक लीलाएं की ठाकुर ने. पूतना उद्धार किया, तृणावर्त उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया, मटकी फोड़ लीला की, ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, कालिय नाग के मान का मर्दन किया, कालिय नाग को वापस भेजा. और भगवान ने इंद्र के मान का भी मर्दन किया. प्रत्येक वर्ष बस अंध क्रिया में, अंधों की तरह, बस इंद्र को 56 भोग लगाए जाते थे. दीपावली के अगले दिन अन्नकूट के दिवस पर सभी उठकर तैयारी में लग जाते और इंद्र को 56 भोग लगाते. प्रेसिडेंट के सामने पियोन की कीमत क्या होती है? बोलो ना भैया. राजा के सामने चपरासी, उसकी क्या कीमत होगी? भगवान सोचने लगे, ये हमारा चपरासी पूजा, इसकी पूजा हो रही है और वो भी मेरी अपनी मां कर रही है, कोई और नहीं. जब आप कोरी क्रियाओं में फंस जाते. भगवान ने पूछा यशोदा को. यशोदा जी ने उठा दिया सुबह सुबह भगवान को, उठो उठो उठो, पूजा हो रही है. भगवान ने कहा, पूजा हो रही किसकी? पूजा तो सारा विश्व मेरी करता है, तो फिर ये किसकी पूजा हो रही है? यशोदा जी बोली, इंद्र की. भगवान को याद आया, हमारा पियोन है ये तो. कामस्तैर स्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता. भगवद गीता पढ़ा करो. एंड आई ऑलवेज से दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट फॉर अस. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस स्क्रिप्चर दैट इज नोन एज भगवद गीता. एंड माइंड इट, there is none of the scriptures in the world from any given religion that can match this wisdom, that can be compared to this wisdom, because everything has been borrowed from here. And we as Sanatanis,
should be firm believer of Bhagavad Gita without questioning it. Can you question Quran? जो नहीं बोल रहे they can. बोलो ना भैया. Can you question Quran? And those who think they can, please go and try it. And we may not be able to meet again. You'll already be placed in their Jahannam, not even our Nark. Did you get my point? Still there is something for you to understand. We might not be able to meet again if you go and question it. Can you question Guru Granth Sahib? Please try it. Can you challenge the Bible? No. And how have you the cheek to raise doubts on Bhagavad Gita? Shouldn't. And I don't tolerate. I don't know about others. And we have the guts and the courage to answer every single question you have, because this is the most logical and the most beautiful scripture ever. Ever. When in World Parliament, Swami Vivekananda went to the World Parliament in Chicago, and when he was to speak, coincidental part was everyone brought their own scriptures. And coincidentally, when everyone brought their own scripture, they piled it up like a pile. And Bhagavad Gita was lying right under everyone. And when Vivekananda turned, came, and he was to speak, Swami Vivekananda said, pull out the Bhagavad Gita from the foundation and all scriptures will fall. Because truly, it is the foundation of all scriptures. Become a firm believer of Bhagavad Gita, 700 verses, 18 chapters. And Krishna says, Kamah stair stair hratagyana prapadyante anya devata. You're worshipping others when Krishna is there. Please recite a verse with me. Akashat patitam toyam yatha gachati sagaram sarva deva namaskaram keshavam prati gachati. So the meaning is, any droplet that falls from the sky will ultimately land in the ocean. Wherever it falls, its journey will take it there. One day or the other. Akashat patitam toyam yatha gachati sagaram. Akash se pani ki boond giri patitam toyam. Toyam ka matlab jal. Patram pushpam phalam toyam. Bhagavad Gita. Yome bhaktya prachati. Toyam means jal, water. Akashat patitam toyam yatha gachati sagaram. Sarva deva namaskaram. Aap kisi ko bhi namaskar kare, kisi bhi devata ko, keshavam prati gachati. Wo namaskar aakhir mein kisko pahunchta hai? Bhagavan Krishna ko. Sarva deva namaskaram केशवम प्रतिगच्छति. तो जब सब नमस्कार गोविंद को ही पहुंचते हैं तो गोविंद को ही क्यों ना नमस्कार करें? फिर इनडायरेक्टली क्यों जाए? फिर डायरेक्ट क्यों ना जाए? भगवान ने कहा, मैया तुम इंद्र को पूज रही हो. ये मेरी सृष्टि के अंदर
केवल एक प्यादा है, वन पॉन, तुम इसकी पूजा कर रही हो, इसको 56 भोग लगा रही हो, क्यों? अच्छा, जैसे आपसे पूछे ना क्यों, जैसे आप गुमराह हैं, गुम हैं, राह का पता नहीं, उसको कहते गुमराह, अंग्रेजी में कहते लॉस्ट सोल्स। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करना है तो पता तो हो क्यों कर रहे हो, करने का फायदा भी है कि नहीं, और अगर करने का फायदा ना हो, करने का नुकसान हो रहा हो, चलो फायदा नहीं हो रहा करते रहो, लेकिन अगर करने से नुकसान हो रहा हो तो रोकना चाहिए कि नहीं, बोलो ना जी। बस वही रोकने वाला हूं मैं, क्योंकि करने से फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, क्योंकि जो कर रहे हो उसके साथ करते करते फायदा नहीं हो रहा लेकिन उम्र कम हो रही है। नाउ देयर लेसर नंबर ऑफ इयर्स दैट यू हैव एवरी सिंगल डे, देयर इज वन डे लेस एंड यू डोंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू कॉल यू बैक, इसलिए नुकसान को रोकिए, क्षति को रोकिए और कोरे कर्मकांड की जगह ज्ञान उपासक बनिए, ज्ञान से पूजिए। दिया जगाना था तो कौन सा जगाना चाहिए, आत्मदीप। काश मन जग जाता तो बात बन जाती, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, आत्मदीप जगाओगे तो मन जागृत होगा। रोज बाहर दिया जगाया लेकिन अंदर अंधियारा रहा तो दीप जगाने का फायदा शून्य हो गया। यही गुरु नानक ने पूछा था उस पंडित को जो जनेयू संस्कार कराने आया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, पूछा कि ये सूत का धागा पहनने से क्या होगा, और यज्ञोपवीत कराने वाले को पता नहीं था यज्ञोपवीत क्यों करा रहा है। गुरु नानक ने समझाया और कहा यदि वो समझ आ जाए जो तीन गांठें इसमें हैं, ये तीन ऋण की प्रतीक हैं, मात्र पितृ ऋण, आचार्य ऋण और समाज ऋण, तीन गांठ होती है ना यज्ञोपवीत में, क्यों होती है, हम बस कर लिया, क्यों किया खबर नहीं, तो फिर करना भी ना करने जैसा, लेकिन करना है तो अर्थ समझ के करे। वो तीन गांठे क्या हैं, तीन ग्रंथियां क्या हैं, वो ऋणों का प्रतीक है। एंड यू मस्ट बी एवर ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग, यू मस्ट बी एवर ग्रेटफुल बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन योर लाइफ, what you are because of them, मात्र पितृ ऋण। इसलिए हम ये भागवत पितृ निमित्तार्थ करते हैं, उस ऋण को चुकाने के लिए। फिर किसका ऋण है, आचार्यों का ऋण, योर टीचर्स, योर मेंटोर, योर गुरु, those who gave knowledge to you, those who gave path to you, they showed, they became like a lighthouse to the wandering ships which never knew where to land, where to port themselves।
those lighthouses of wisdom, your teachers, those who taught you language, bolna sikhaya, padhna sikhaya, jeevan ko disha di. You must be ever grateful to them. Should never forget them. Aur teesra hai samaj. We get so much from the society. We are all social animals. This is how we are termed. We get so much from the society, from everyone. Every single person is contributing a little towards us in our lives. And we must be ever grateful to all of them. That is why the Yajnapavit was worn. Because when you wear it, and when you see those three knots, you remember, you have to be grateful. जो भी आप क्रिया करते हैं उस क्रिया के पीछे जो उसका महत्व है उस महत्व को समझिए और जब आपको महत्व समझ आ जाए तो क्रिया की वैल्यू जीरो हो जाती है. बिकॉज वी आर फॉरगेटफुल पीपल वी नीड रिमाइंडर्स. फोन में लगाते हो ना, लोगों को बर्थडे याद नहीं होते बच्चों के, एनिवर्सरी याद नहीं रहती, तो मैंने देखा रिमाइंडर लगा लेते हैं कैलेंडर में. थैंक्स टू दिस फोन, गॉड ब्लेस देम, दोज हू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर पुअर माइंड्स. इफ आई वंस मीट यू एंड आई नो योर नेम, आई नो मोर देन 10 लाख नेम्स इन द वर्ल्ड एंड आई विल ऑलवेज कॉल यू बाय योर नेम. You should have a sharp memory. Memory achhi honi chahiye, sfurt honi chahiye. It should be quick. You should not be slow. And no reliance on technology. Your mind should be sharp. Lekin aajkal ka vyakti forgetful hai, bhul jata hai. उसको याद कराना पड़ता है. इसीलिए पुराने जमाने में फोन नहीं होता था तो यज्ञोपवीत पहना देते थे. इट वॉज अ रिमाइंडर. डोंट फॉरगेट टू बी ग्रेटफुल. बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स होम. थ्री पीपल प्लीज टेल मी. फर्स्ट इज पेरेंट्स, सेकेंड इज योर टीचर्स एंड मेंटोर, and third the society at large, everyone who's contributed. You're wearing clothes, someone grew cotton, someone made that fiber, someone processed it, someone made a cloth out of it. That is why you're wearing it. You must be grateful when you wear clothes in the morning. Just a generic example. For everything, when you eat food, you must be grateful to all the farmers. Must thank in your heart at large, to thank all the farmers, those who grew it, the ones, those who brought it to you, transported it to you, the ones you could buy it from. Must be grateful towards all the society at large. धन्यवाद कीजिए. Be thankful. उसके लिए यज्ञोपवीत था. What was यज्ञोपवीत? A reminder. And if you can remember that without wearing it, it solves the same purpose. Then what is the value of wearing it? If you can remember without wearing it, nothing. So who wore it? Who was a poor mind? And who didn't wear it? Who was knowledgeable enough to remember that without wearing it? So there is a difference between a poor mind and a mind that never forgets, is ever grateful. So now you can distinguish.
बस याद रखना, रिचुअलिस्टिक लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो रिचुअलिस्टिक, बोलो ना जी, नहीं होते। और भगवान रिचुअलिस्टिक हैं कि स्पिरिचुअल हैं? जब अर्जुन को डर लगा, भगवान ने कहा नारियल फोड़ दे, केले चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया, जलाभिषेक कर दे। कहा भगवान ने, क्या किया? अर्जुन डर गया था, विषाद युक्त था, भयग्रस्त था। भगवान ने क्या कराया अर्जुन से? भगवान ने उस समय उससे कोई क्रिया नहीं करवाई, ज्ञान दिया भगवद गीता का, नहीं धकेला कर्मकांड की तरफ, जा बेटा ये कर दे, जा काले तिल चढ़ाया ना, नदिया में फेंक आना, तेरा डर निकल जाएगा। सरहाने के नीचे चाकू रख लेना, और होश आए तो पति पत्नी को ही मार दिया, इससे बड़ा दुश्मन तो कोई होता नहीं। विजय भाई हंसे छे, ध्यान देना भैया, भगवान ने भगवत गीता सुनाई क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि ज्ञान से विमुख हो, ज्ञान मार्गी बने। क्रियाएं करने से कभी जीवन में सफलता नहीं मिली भैया, कर सकते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन वो बिगिनर्स लेवल है, किंडरगार्टन है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर आ जाते हैं, दोज हु ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, दोज हु वॉन्ट टू अटेन सेल्वेशन पीपल, दोज हु हैव द गोल क्लियरली नोन एज सेल्वेशन, दोज हु आर टारगेटिंग इट विल ऑलवेज बी ऑन द पैथ ऑफ विजडम एंड नॉलेज। और भगवान ने यशोदा को भी कहा, यशोदा मैया, इंद्र क्या करता है ये बताओ। अभी अभी एक यशोदा बोली, बारिश। शुक्र है नंद बाबा नहीं बोले। और यशोदा यही बोली, बारिश करता। भगवान ने कहा इंद्र बारिश करता है, लेकिन इंद्र तो बारिश नहीं करता, वर्षा करने वाली तो प्रकृति स्वयं है। प्रकृति में एक यज्ञ हो रहा है मैया, कौन सा यज्ञ हो रहा है? सूर्य तपता है जल स्रोत के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदिया के ऊपर, तालाब के ऊपर, और क्या करता है वहां से? सूर्य इवेपोरेशन करता है। इवेपोरेशन से क्या होता है? सेकंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन हो जाती है इवेपोरेशन के बाद, फिर क्या होता है जो बोल रहे थे? दैट वाज द थर्ड स्टेप, यू मिस द सेकंड वन। क्या होता है? देन द क्लाउड्स आर फॉर्म व्हेन द कंडेंसेशन हैपेंस। And when clouds are formed, then the air, वायु, उसे धकेलती है। वायु गतिमान होकर उस उन बादलों को अलग अलग जगह लेकर जाती है। फिर क्या होता है? बारिश होती है। तो बोले इंद्र ने इसमें क्या किया? ये कमीशन एजेंट कहां से आया? काम तो मेरी प्रकृति कर रही है। मद भयाति वातो यम, श्रीमद भागवत के सांख्य योग में भगवान कपिल ने कहा, मद भयाति वातो यम,
मृत्युश्चरति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत अग्निर्। ये भगवान के कथन है सांख्य योग में, स्वयं भागवत का कथन है, भागवत जी का उल्लेख है। भगवान कहते इंद्र कुछ नहीं करता, वायु कुछ नहीं, मेरे भय से वायु तुम्हारे इस अपवित्र अशुद्ध शरीर में आती और जाती है। वायु को तुम्हारे इस शरीर में आना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता। इस शरीर से गंदा और कुछ नहीं है। आप आंखों से क्या निकलता है? मैल भी निकलती है। दहत अग्निर, इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है। वर्षः इंद्रो दहत अग्निर, अग्नि मेरे भय से दहन करती है। तो बोले इंद्र इसमें क्या करता है, ये तो सारा कुछ प्रकृति कर रही है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन इट्स ओन, इट्स अ साइकिल, अ साइंटिफिक साइकिल ऑफ द नेचर, देयर इज नथिंग दैट समवन एल्स कैन डू। And why are you so superstitious? यशोदा ने कहा बातें मत सुना, तो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर हमने 56 भोग नहीं लगाया और इंद्र नाराज हो गए और वर्षा नहीं की तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। नंद बाबा आए, पूछा ये माँ बेटे में क्या चल रहा है? बोले देखो ये कितनी पढ़ी लिखी बातें कर रहा है। ठाकुर जी ने कहा एक बात बताओ पिताश्री, हे बाबा आप हर वर्ष 56 भोग लगाते हो, कभी इंद्र ने ग्रहण किए? मथा खुजाया, बोले वो तो नहीं किए, कभी नहीं खाए। बोले सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, हमने बना दिए, भोग लगा दिया, खा लिया होगा, खाया कि नहीं, खा लिया होगा की बात मत करो। डोंट फायर इन द डार्क। खा लिया होगा नहीं, खाया कि नहीं? बोले नहीं खाया। बोले जिस गोवर्धन की तलहटी में हमारी गायें जाकर घास चरती है, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, कराई कि नहीं कराई, और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। ही वेंट थ्रू द स्ट्रगल ऑफ स्टॉपिंग दिस रिचुअल and he accepted the challenges that came across his way to stop it, and that is why I love Krishna. The most revolutionary, the most revolutionary devata in the entire dev lineage you will never see, who brought wisdom first and pushed away rituals in the back. And any practice that was meaningless was stopped by him in his own lifetime. Amazing. No one was ever such revolutionary and so full of wisdom and knowledge as Krishna was. Uncomparable, unmatchable, unbeatable. What he did, and he's what he's doing until now with his own scripture Srimad Bhagavat, tene yam vamamai murti pratyaksha vartate hare. This scripture is not a book, it is Krishna himself in the form of knowledge. What he did and what he is doing now in this era, in this time, in this modern world through Srimad Bhagavat is again uncomparable. It is impeccable and it is unbeatable.
So we are ever grateful to Lord Krishna. Then and now. तब भी थे और आज भी हैं, क्योंकि भगवान के इस पावन पुनीत शास्त्र से जो क्रांति आज हो रही है वो हमें आज भी रास्ता दिखा रही है। भगवान ने स्वयं कहा था, स्वकीयम यत भवेत तेज तच्च भागवते दधात। जब उद्धव ने पूछा, प्रभु आप तो बैकुंठ गमन कर जाएंगे और जब आपसे मिलने की इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे, भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो उद्धव, मैं अपने आत्म प्रकाश को स्वकीयम यत भवेत तेज, अपने तेज को, अपने आत्म प्रकाश को श्रीमद भागवत में समाविष्ट कर रहा हूं। स्वकीयम यत भवेत तेज तच्च भागवते दधात, मैं अपने प्रकाश को भागवत जी में प्रविष्ट करके जा रहा हूं। जब जब मेरे से मिलने की इच्छा हो मेरे शास्त्र को सुनना और मैं तुम्हारे से अवश्य मुलाकात करूंगा। ये मेरे ठाकुर के शब्द हैं, ये हमारे गोविंद के शब्द हैं। इसलिए भैया ये भागवत शास्त्र तो अद्भुत है, स्वयं कृष्ण है और ठाकुर जी को मानिए, किसी को मत मानिए, गोविंद को मानिए। और जब गोविंद को मानोगे, उसके कथन को मानोगे, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, हमेशा प्रसन्नता रहेगी। जो भगवत गीता को मानते हैं, जो भागवत को मानते हैं, भगवान ने कहा नंद बाबा को, भोग लगाया कभी खाया, बोले नहीं खाया, बोले अगर गोवर्धन खा ले फिर इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करोगे, बोले जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नंद बाबा ने, पूरे ब्रजमंडल ने देख लिया था कृष्ण क्या कर सकते हैं। 14 दिन के थे तो पूतना का उद्धार कर दिया, 17 दिन के हुए तो तृणाव्रत का उद्धार किया। भगवान ने तो इन राक्षसों को छोटी अल्प आयु में ही कुछ दिन के ही समाप्त कर दिया था। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, तो भगवान ने कहा सबको बुलाओ, सब आए, जो 56 भोग बनाए हैं थाल भर के ले आओ गोवर्धन के पास। इसीलिए आप बोलते हो गिरिराज धरण की जय गोवर्धन नाथ की, क्योंकि गोवर्धन नाथ कौन है और गोवर्धन का मतलब क्या होता है, शरीर। संस्कृत में गोवर्धन शरीर को कहा गया, गोवर्धन का मतलब पहाड़ नहीं होता, गोवर्धन का अभिप्राय है शरीर। गो माने इंद्रियां, आंख जब पैदा हुए देखती थी कि नहीं देखती थी, when you were born देखते थे ना, अच्छा देखने पर समझ आ जाता था, क्यों, क्योंकि वर्धन नहीं हुआ, बड़ी नहीं। लेकिन जैसे जैसे आंख बड़ी होने लगी, द सेंस ग्रू, द सेंस ऑफ सीइंग व्हेन इट ग्रू टू अ पॉइंट वेर यू कुड सी एंड यू कुड अंडरस्टैंड, बढ़ने से ही समझ आने लगा ना, वर्धन हुआ तभी समझ आया, छोटी थी बड़ी नहीं थी तो समझ नहीं आता था। जब पैदा हुए कान थे कि नहीं थे, बोलो ना जी, कि बगैर कानों के पैदा हुए, बाद में लगाए, कान थे कि नहीं, समझ आता था, क्यों, क्योंकि वर्धन नहीं हुआ। कान बढ़े, सुनने की शक्ति बढ़ी, जब सुनना बढ़ा, बढ़ गया, वर्धन हो गया, तो अब तो कान खतरनाक हो गए, इतना समझ आ जाता है भैया, जो नहीं बोला वो भी समझ आ जाता है, उससे ज्यादा समझ जाते हैं, क्योंकि वर्धन हो गया। छोटे थे जबान थी कि नहीं थी, अगर आज है तो तब भी थी, लेकिन स्वाद का ज्ञान था जब बच्चे थे, नहीं था,
लेकिन जैसे जैसे जबान बढ़ी, रसना बढ़ी, अब हर रस की पहचान होने लगी क्योंकि वर्धन हो गया। ऐसे ही पांच इंद्रियां, जब ये पांच इंद्रियां बढ़ी, जब इनका वर्धन हुआ, तब समझ आने लगा। तो गोवर्धन का मतलब शरीर। अच्छा, उस गोवर्धन को किसने उठाया हुआ है? कृष्ण ने। हमारे गोवर्धन को किसने उठाया है? कृष्ण ने। आपके अंदर जो आत्मा है वो क्या है? सच्चिदानंद। और वो सच्चिदानंद कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापह त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप तो स्वयं कृष्ण है। सत भी वही है, चित भी वही है, आनंद भी वही है। तो शरीर को उठाने वाला कौन है? सच्चिदानंद। और वो है हमारी आत्मा। तो हकीकत में किसने उठाया हुआ है गोवर्धन को? कृष्ण ने। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी, ये गोवर्धन गिर जाएगा भैया, वापस रख दिया जाएगा। और यही जीवन का सत्य है। गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, गोवर्धन आपका शरीर है। इन लॉजिकल टर्म्स, एंड दिस इज सो इलॉजिकल, कैन एनीवन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी ताकत क्यों ना हो, कोई पहाड़ उठा सकता है? बोलो ना जी। लॉजिकल और इलॉजिकल, रियल और अनरियल? अनरियल, इलॉजिकल। इट डजंट साउंड एनी लॉजिक टू मी कि किसी ने पहाड़ उठा लिया। कितने लोग हैं यहां गिनो। पहाड़ छोड़ो, आई विल गिव यू वन टेस्ला टू पिकअप किरण बहन की, उठा के दिखाओ। उठा सकते हो? चैलेंज डिनाइड। और एक बंदा अपनी लघु अंगुलिका पे गोवर्धन उठाकर खड़ा हो गया। इलॉजिकल, अनरियल। दैट मींस द स्क्रिप्चर इज वांटिंग टू टेल यू समथिंग बियॉन्ड स्टोरी विच यू आर नॉट ट्राइंग टू कैच। डू नॉट फॉलो द अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, बट try to connect the dots what the scripture is wanting to tell you. Govardhan was not a mountain, it is a symbol, it is symbolic that Govardhan is your body itself. And who is lifting it? Krishna is lifting it. He lifted it then and he is lifting it now. Even now he is lifting Govardhan. It was not he lifted in the Dwapar Yuga. For me, he lifts Govardhan every single moment. The Govardhan of our bodies, that is like a small mountain, we all inherit. And he is lifting it always. Sada wahi uthata. Aur Bhagwan ne tab kaha Govardhan bhog lagayega. Govardhan bhog lagata? नहीं लगाता। आपका गोवर्धन भोग लगाता है? मंडे टू फ्राइडे कथा से पहले था, आज भोग बाद में लगेगा गोवर्धन को। तो गोवर्धन ही भोग लगाता है। और ठाकुर जी ने क्या किया? कहा चलो गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन के पास सबको ले गए और सब अपने 56 भोग लेकर आए। और जैसे ही सब 56 भोग लेकर आए, वहां प्रस्तुत हुए, सब गोवर्धन की पूजा करने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने तब सभी को कहा, विश्वास धार कर ग्वाल वृंद, गिरिवर का ध्यान लगाने लगे
नट नागर भी अंतर पट से नाटक का पट दिखलाने लगे। गिरिपति ने गिरिराज को कहा जोड़ कर हाथ, बोलो भक्तों प्रेम से जय गोवर्धन नाथ, बोलो भक्तों प्रेम से जय गोवर्धन नाथ। पूजा कराई गोवर्धन की और भगवान ने कहा एक काम करो, सब आकर भोग लगाओ। इंद्र ने कभी भोग नहीं लगाया ना, लेकिन आज गोवर्धन भोग लगाएगा। लो इष्ट देव हो गए प्रकट, लाओ सामग्री भोजन की, पूजन प्रेम से पूर्ण करो, परिक्रमा करो गोवर्धन की। बारी बारी से आकर के, बारी बारी से आकर के उनको भोजन करवाते थे। भगवान ने कहा गोवर्धन प्रकट हो गए हैं, सारे आकर अपना अपना भोग लगाओ, लेकिन बोले इसका मुंह कहाँ है, किधर से खिलाएं। भगवान ने कहा जहां तुम थाली रखोगे ना वहां मुंह प्रकट हो जाएगा, जस्ट ट्राई। क्या कहा, बारी बारी से आकर के उनको भोजन करवाते थे। जो थाल सामने आता था गोवर्धन वो खा जाते थे। महाराज इंद्र ने तो कभी भोग नहीं लगाया और गोवर्धन थाली भी खा गए। जो थाल सामने आता था गोवर्धन वो खा जाते थे। सब हैरान हुए, गोवर्धन की जय घोष करने लगे। और उधर इंद्र को तो पता भी नहीं था कि पूजा बंद हो गई है, गोवर्धन की शुरू हो गई है। इंद्र क्या करता है, इंद्र को क्या आता है, अच्छा इंद्र क्या करता है मालूम है आपको, स्वर्ग में क्या कर रहा है इंद्र, पहले तो मदिरा पी रहा है, फिर क्या कर रहा है, अप्सराओं के नृत्य देख रहा है। उसे दो ही काम आते हैं, या अप्सराओं का नृत्य देखना या मदिरा पीना, और कुछ तो इंद्र को आता नहीं। नारद जी गए, मैं हंसता हूं, नारद जी ने कहा न्यूज़पेपर देखा आज का हेडलाइन पढ़ी है इंद्र, नारद जी इज रूटर्स, रूटर्स सर्विस। ही इनिशिएटेड द एंटायर जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड। नारद जी ने जाकर कहा न्यूज़पेपर पढ़ा, हेडलाइन देखी है। इंद्र ने कहा वो तो नहीं देखी, बोले जरा ध्यान से पढ़ो, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है और तुम बैठकर यहां पर जाम पी रहे हो, अप्सराओं के नृत्य देख रहे हो, वहां तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। और एक अहीर ने, एक ग्वाले ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी, देखो नीचे क्या हो रहा, कभी नीचे भी देख लिया करो, ऊपर ही देखते रहते हो। नारद जी के कहने पर इंद्र ने देखा कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहा था। हैरान हुआ, बोले नया देवता कहां से आया। नारद जी ने कहा लगता नया है तो पुराना ही, नया लग रहा है तुम्हें, अंडर अ न्यू कवर द बुक इज द सेम, टाइटल बदला है, कंटेंट वही है, ध्यान से देखो इंद्र। इंद्र को क्रोध आया, कुपित हुआ, मेरी पूजा बंद कराने वाला ये कौन, 60,000 मेघ बुलाए, गड़गड़ाते हुए मेघ, जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। अरे किसके आगे बातें कर रहे हो, ठाकुर जी के आगे, इंद्र की औकात क्या है, गोविंद के आगे। मुझे कभी कभी हंसी आती है, लोग शनि को पूजते, राहु को पूजते, केतु को पूजते, हंसी आती,
अरे ठाकुर की पूजा करो, पूजा भी करनी है, समय भी लगाना है, तो सबसे बड़े की क्यों ना करे, छोटे छोटों की क्यों करे? ये मूर्खता है। मैं नहीं कह रहा, गीता बोल रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो छोटे छोटे देवताओं का पूजन करता है वह अविधि से मेरा ही पूजन करता है, लेकिन विधि से नहीं करता। किससे करता है? अविधि से करता। तो फिर कृष्ण को ही क्यों ना पूजे? नहीं भैया, कृष्ण की ही पूजा, किसी की नहीं, बस ठाकुर की ही पूजा, जिसके जीवन में ज्ञान आ गया वो फिर किसी की ओर नहीं झुकता। और जब भगवान स्वयं साथ में है तो फिर किसकी चिंता। एक बार मेरे साथ गाइएगा प्रेम से, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। गाइए सब। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब सरोकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब सरोकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा। गाइए। तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जब आप साथ हैं गोविंद, फिर किसी और की परवाह नहीं, फिर किसी और की सरोकार भी नहीं, दरकार भी नहीं, सरोकार भी नहीं। जब आप साथ हो तो फिर काहे की चिंता। और फिर कितने ही इंद्र आए और कितने ही इंद्र जाएं, कितने ही ब्रह्मा आए, कितने ही शनि आए। कभी वृंदावन गए हो? कौन गया? कोसी गए हो कभी? गए हो? वृंदावन जाने से पहले कोसी आता है। कोसी में भगवान का मंदिर है, जहां भगवान ने शनि को दबा रखा। दर्शन किए कभी? आगे जाना कभी वृंदावन, जाना वहां जाके दर्शन करना। वो शनि दबा हुआ है भगवान के नीचे, जिससे आप डरते रहते हैं। समझ आ जाता है किसको छोड़कर किसी और की पूजा, बोलो ना जी, नहीं करनी। एक इसी पर ध्यान रखना है, बाकी सब प्योन विदा कर देने, मालिक देखेगा प्योन्स को। इनकी चिंता हमें नहीं करनी, वो जानता है। कोसी में वही शनि दबा हुआ है भगवान के नीचे, जाकर देखना। ये सर्वश्रेष्ठ देव है, परम कल्याणमयी देव है। और भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, 60,000 घने मेघ गड़गड़ाते हुए आए, गोवर्धन की पूजा शुरू हुई थी, महाराज आकर बरसने लगे। भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, गोवर्धन केवल भोग ही नहीं लगाता, रक्षा भी करता है, चलो चलें सब। बोले कहां चलें? बोले गोवर्धन उठाने। सब मुस्कुराए, हंसे। भगवान को बोले आर यू इन सेंसेस, क्या उठाए? गोवर्धन? भगवान ने कहा हाँ गोवर्धन, चलो उठाए। सब मिलकर उठाएंगे। सबने कहा
ठाकुर लेकिन गोवर्धन कैसे उठाएंगे, भगवान ने कहा मैं हूं ना, चलो। सब गए, सबने पूरा जोर लगाया लेकिन गोवर्धन नहीं उठा, लेकिन भगवान ने लघु अंगुलिका का जोर लगाया और गोवर्धन को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, द्वारिकाधीश की। गोवर्धन उठा लिया, कैसे उठाया? जैसे आज भी हमारा गोवर्धन उठाया है वैसे उठाया, और उठाकर खड़े हो गए और वर्षा शुरू हो गई। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़कर जो इंद्र के 60,000 मेघ थे उनका सारा जल पी लिया। जहां गोवर्धन उठाया था वहां लीला के कारण वर्षा होती हुई दिख रही थी, लेकिन भगवान 60,000 मेघों का जल पी गए। 60,000 मेघ खाली होकर इंद्र के पास वापस गए। इंद्र ने पूछा ब्रजमंडल बह गया? मेघ बोले वहां तो धूल उड़ रही है, केवल थोड़ी जगह वर्षा हुई, थोड़ी सी, वो भी वहां जहां भगवान ने गोवर्धन उठाया है, लेकिन बाकी जगह तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बोले तुम्हारा जल कहां गया? बोले महाराज हम तो खूब बरसे, पूरा टैंक एम्प्टी हो गया, कुछ नहीं बचा, एक बूंद भी नहीं बची, सब बहा है, लेकिन पता नहीं एक चक्र था वो सब कुछ पी गया। इंद्र ने सोचा चक्र पी गया, ये चक्र किसके पास है? हमारी बुद्धि को चक्कर आ गया, ये तो केवल कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास है। शंख चक्र गदा पद्मधारी तो केवल नारायण है, तो फिर ये कौन है ये ग्वाला? अंतर ध्यान होकर देखा, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया, भूल हो गई। टाइटल पेज चेंज हुआ है लेकिन कंटेंट सेम है। ये द्वापर में कृष्ण बनकर आ गए हैं लेकिन खुद केवल और केवल स्वयं नारायण है, बड़ी गलती हो गई। गया भगवान के चरणों में और जाकर अपना मुकुट उतार कर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा हम तुम्हारे पर नाराज नहीं है, तुम्हारे पर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है। इंद्र ने कहा मेरी गलती पर आप मेरे पर खुश हैं, प्रसन्न हैं, नाराज नहीं, उसका कारण क्या है? जो लोग बड़े होते हैं दे आर नेवर नेगेटिव, पीपल विद लार्ज हार्ट्स एंड विजडम विद बिगर माइंड्स, दोज हु आर पॉजिटिव एंड दोज हु डिलीवर पॉजिटिविटी दे नेवर नेगेटिव इन देमसेल्व्स। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हु इज प्रीचिंग पॉजिटिविटी टू बी नेगेटिव हिमसेल्फ? हाउ इज दैट पॉसिबल? भगवान ने कहा मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं इंद्र, मैं तुम्हारे पर बड़ा प्रसन्न हूं। इंद्र ने कहा महाराज मैंने तो इतनी भारी गलती की और आप मेरे पर प्रसन्न हैं, क्यों? भगवान ने कहा तुम्हारे कारण ये जो ब्रजवासी मेरे से दूर रहते थे, ये 7 दिन सब बोलो ना जी मेरे साथ रहे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये मेरे साथ कैसे रहते? इसलिए हम तुम्हारे पर कुपित नहीं है, हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न है, जाओ। लेकिन देयर इज अ पीस ऑफ एडवाइस, लिसन टू दैट फर्स्ट। आगे से मैं जो कुछ करता हूं उसमें टांग मत अड़ाना, चुपचाप रहना, अपना काम करते रहना। ये खेतों को हरा करो, हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो, हमारे काम में कभी विघ्न प्रस्तुत नहीं करना। इंद्र ने कहा मेरे बाप की तौबा। भगवान ने कहा बाप तो हम हैं, हमारी तौबा मत करो, तुम्हारे बाप भी हम ही हैं, अपनी तौबा कर, अपने बाप की मत कर और निकल यहां से, जा अपनी राजधानी अमरावती में जा, सुख से शासन कर और कभी मेरे काम में आगे से हस्तक्षेप नहीं करना।
इंद्र ने कहा कभी नहीं होगा नाथ, आपने क्षमा कर दिया इतना ही बहुत है। भगवान ने कहा हमने तुम्हें क्षमा किया और जाओ अपना जो लघु कार्य है उसे संभालो। भगवान तो क्रांतिकारी हैं, देयर कैन नॉट बी एनी बिगर रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर फ्रॉम देन अंटिल नाउ, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम कृष्णा। उनकी परम भगवत्ता से ही हमें सीखना है कि हम भी यदि उनके सच्चे अनुयायी हैं, हम ठाकुर की उपासना करते हैं तो फिर किसी और की नहीं, केवल ठाकुर की ओर ही, उनकी शिक्षाओं की ओर ही हम केंद्रित हो जाएं। लेट अस बी फोकस्ड ऑन हिज ओन हिज टीचिंग्स। बंधुओं, भगवान 11.5 वर्ष के हुए और ब्रजमंडल में वो दिवस आया जिस दिवस पर शरद पूर्णिमा की रात थी। 7 साल के कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया और जब 11.5 वर्ष के हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई तो उस रात को भगवान ने सभी ग्वाल बालों को वापस भेज दिया और बलराम जी को भी बहाना करके वापस भेज दिया और अकेले रुक गए भगवान ब्रजमंडल में, वृंदावन में। और रात्रि का जब प्रथम प्रहर आया, चंद्रमा अपनी शीतल किरणों को सारे भूमंडल में उडेल कर शांति प्रदान कर रहा था, मंद मंद शीतल समीर बह रही थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी पावन वेणु को अपने अधरामृत से संस्पर्श करा के वेणुनाद आपूरा। और जैसे ही वेणुनाद आपूरा, जैसे ही वेणु को बजाया, वो अनंगनाद की ध्वनि, वो अनहत की ध्वनि सब हृदयों में एक पुकार पैदा करने लगी। सभी गोपियां, और मैं प्राय कहता हूं जैसे गोवर्धन पहाड़ नहीं है शरीर है, ऐसे ही गोपियां स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ क्या होता है, देखिए, गोकुल, गोवर्धन, गोपी, ये सब गो से शुरू होते हैं। गोपाल, गोविंद, सबका प्रारंभिक शब्द है गो। गो माने इंद्रिय। जो इंद्रियों का नियामक स्वामी है उसे कहते हैं गोविंद, जो इंद्रियों का पालक है उसे कहते हैं गोपाल। गोकर्ण, ये सब गो शब्द से प्रारंभ होते हैं। और गो नाम इंद्रिय, बड़ा सुंदर अर्थ किया गया है। और एक तो है कहानी सुनना और एक है भागवत को समझना, दोनों में बड़ा अंतर है। और समझना कहानी सुनने से ज्यादा जरूरी है। कितनी बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन शायद समझी नहीं। समझना ही मेरे अनुरूप अधिक अनिवार्य, अधिक आवश्यक। और बंधुओं, गोपी शब्द का अर्थ होता है जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम के रस का पान करे। प्रत्येक इंद्रिय से कैसे, आंख से करे दर्शन तो आंखें तृप्त, कान से सुने कथा और कीर्तन तो कान तृप्त, जिह्वा से भजे नाम तो जिह्वा तृप्त, घ्राण इंद्री से, नासिकाओं से उसकी सुगंधि को, उसके युगल चरणों की सुगंध को प्राप्त करे, और वो सुगंध है भक्ति, तो घ्राण इंद्री तृप्त, और त्वचा से सदा सेवा में संलग्न रहे तो शरीर तृप्त। तो जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम के रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी, ना कि स्त्री को कहते हैं गोपी। और प्रत्येक गोपी के चित्त में भगवान ने उस ध्वनि को अनंग की पैदा किया, और जब अनाहत की ध्वनि पैदा की, प्रत्येक गोपी ने
जो अलग अलग कृत्य कर रही थी, अलग अलग काम कर रही थी, कोई सास ससुर के लिए लपसी पका रही थी, कोई अपने बालकों को दुग्धपान करा रही थी, कोई बछड़ों को गायों के पास लेकर जा रही थी, कोई कुछ कृत्य कर रही थी, कोई कुछ कृत्य कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही कान में वंशी की ध्वनि पड़ी, सब कोई अपने अपने काम छोड़कर भगी। और देखो, शास्त्र ने बड़ी सुंदर बात कही, ये गोपियां भगवान के पास शरीर से नहीं गईं, ये सब भगवान के पास मन से गईं। शरीर तो काल से प्रभावित है, समय से और काल से प्रभावित है। शरीर पर तो काल आता है, ये शरीर तो भगवान से मिल नहीं सकता, लेकिन इस शरीर के अंदर जो चेतन है वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। और उसी चेतन से ये गोपियां भगवान के पास ब्रजमंडल में पहुंची, और जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंची, भगवान के सन्मुख जाकर खड़ी हुई। भगवान ने इन्हें देखते ही कहा, तुम यहां क्या करने आ गई हो अर्धरात्रि के समय? तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी तलाश कर रहे होंगे, तुम्हारे सास ससुर जो भूखे प्यासे बैठे हैं वो तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे, क्या करने आ गई हो गोपी? इति ही विप्रिय मां करण्यम गोप्यो गोविंद भाषितम विषण भग्न संकल्पा चिंता मापु दुरत्तयाम। क्या करने आ गई हो? वापस लौट जाओ, यहां मत ठहरो। गोपियां सोचने लगी, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं, दाव पर लगाकर आई हैं, और भगवान हमें कह रहे हैं तुम लौट जाओ। कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर आवे, और सब कुछ छोड़कर आए तो सामने वाला कहे तुम लौट जाओ, तो कैसा लगेगा? लेकिन भगवान ने कहा था सब कुछ छोड़कर आओ, कि अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ा है? बोलो ना जी, अपनी इच्छा से छोड़ा है। तो फिर हम सामने वाले पर टांग क्यों रखे कि तुम्हारे लिए छोड़ा, मर्जी से छोड़ा? भगवान ने कहा था छोड़ के आ? नहीं कहा ना। जब नहीं कहा, छोड़ा, अपनी इच्छा से छोड़ा, क्योंकि खुद को सुख मिलता है तभी छोड़ा। अगर सुख ना मिलता हो तो क्यों छोड़े? सोचो, जब स्व के सुख के लिए छोड़ा तो फिर भगवान को क्यों कहें ये कि आपके लिए छोड़ा? क्या कहना चाहिए था? मैं स्व सुख की प्राप्ति के लिए, अपने अंतर्निहित सुख की प्राप्ति के लिए छोड़कर आई हूं, आप स्वीकार करें या न करें आपकी इच्छा। कहना तो ये चाहिए, लेकिन यहीं से अभिमान की गंध आ जाती है, यहीं से अभिमान की ईगो की बू आती है। When we twist, we do certain things for ourselves, but under a cover. और फिर हम क्या करते हैं? We are clever enough, जो हम खुद के लिए कर रहे हैं वो हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, आपके लिए किया। करना खुद के लिए, खुद को सुख मिल रहा है, खुद को आनंद मिल रहा है, लेकिन खुद के लिए करते हुए भी दूसरे को जताया, एहसास करा कि तुम्हारे लिए किया। हकीकत क्या है? भगवान कहते हैं आड़ में मत कर, सामने निकल के आ। डोंट ट्राई टू बी अंडर अ शील्ड, अंडर अ कवर, कम आउट ऑफ इट, बाहर निकल। तुम खुद के लिए कर रही हो और नाम मेरा ले रही हो,
इसलिए भैया भगवान ने कहा इससे अच्छा है तुम लौट जाओ, प्लीज गो बैक, मेरे लिए मत करो क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना काम खुद कर लेता हूं, मेरे लिए मत करो, जाओ, यू कैन गो बैक। जब भगवान ने कहा यू कैन गो बैक, प्रतिहात व्रजम हस्ते हम, जाओ लौट जाओ, गोपी सोचने लगी अब तो मैं छोड़ के आ ही गई हूं, मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, कहां जाना है दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई वर्क, वो तुम्हें देखना है। यदि खुद के लिए कहा है तो यह कहना नहीं चाहिए कि आपके लिए किया, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो यह थोड़ी ना कहना चाहिए कि आपके लिए किया, और अगर मेरे लिए ही कर रहे हो तो यह शब्द आने नहीं चाहिए थे कि किया, फिर किया ना किया दोनों बराबर हो गए, कहा और किया द वैल्यू इज जीरो इन आवर फिलॉसफी, व्हेन वी डू समथिंग दैट इज नोन एज सेवा वी डोंट नरेट दैट इन वर्ड्स, वी डोंट से इट इन वर्ड्स, वी जस्ट डू इट साइलेंटली, यू शुड बी म्यूट व्हेन यू डू सेवा, इफ यू आर नॉट म्यूट व्हेन यू आर डूइंग सेवा your done seva is not zero, I will call it in minus, you have run into minus my dear। तो भगवान ने कहा करनी ही थी तो फिर कहा क्यों, और कहा है तो जो करना है करो, प्रतिहात व्रजम नहिस्थेयम, व्रज लौट जाओ, यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं, यहां तो वही रुकता है भैया जो म्यूट होता है, पॉज होता है, जो म्यूट नहीं है अनम्यूटेड है उसका कोई काम नहीं। गोपियां तिल मिलाई और मन में आया भगवान ने ऐसा क्यों कहा, फिर सोचने लगी इंट्रोस्पेक्ट करने लगी शायद मैंने ऐसा किया होगा इसलिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने अपने जन्मदिन पर बुलाया था तब हमने भगवान को उलाना दिया था और राधा रानी के संग हम भगवान के जन्म दिवस पर नहीं आए इसलिए भगवान शायद ऐसा कह रहे हैं। सोच रही है धीरे 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 अपनी बुद्धि को टनका रही है भगवान ने ऐसे शब्द क्यों कहे होंगे, वो जानने की कोशिश कर रही है और सोचती 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 यहां पहुंची कि गलती मेरी ही है, सोचती सोचती यहां पहुंची गलती मेरी ही है, मुझे भगवान को ऐसा बोलो ना जी नहीं कहना चाहिए था। नितिन भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, भगवान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था लेकिन अब कह दिया, अब क्या करूं, जाकर भगवान के आगे प्रणय करने लगी और प्रणय करके भगवान के युगल चरणों की शरण में आई और कहने लगी आपने हमारे ऊपर सदैव कृपा की है नाथ, और हमारे से जो भूल हुई है आप उसको क्षमा कर दें और अपना आत्मसंयोग हमें प्रदान करें। अच्छा भगवान ने देखा कि गलती की और दे फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट दे डू तो क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन क्षमा मांगनी बोलो ना जी जरूरी है, गलती हो तो क्षमा मांगनी जरूरी है और इसने क्षमा मांग ली, अब इससे ज्यादा तो कोई और पेनल्टी नहीं हो सकती, तो इसलिए भगवान ने कहा ठीक है हम क्षमा करते हैं, और भगवान ने क्षमा किया, प्रणय के बाद क्षमा आई और भगवान ने अपना कर कमल रखा और रसो वही सह रास सह जो आनंद रस से परिपूर्ण था उस रास को शुरू किया। रास का अर्थ क्या होता है, गरबा, रास का अर्थ गरबा नहीं होता, रास का अर्थ होता है
आनंद, प्रत्यक्ष आनंद, रसो वही सह रास, जो आनंद से परिपूर्ण है उसे कहते हैं रास, जो रस से भरा है। गरबा को रास नहीं कहते, रास होता है जब आपके चित्त में आनंद भरा हो, उस स्थिति का नाम है रास। और भगवान ने रास शुरू किया, और जब रास शुरू किया, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले महर्षि गर्ग ने गर्ग संहिता में कहा, जिसकी रचना महर्षि गर्ग ने की है, कृष्ण लीला जिसमें आई महिमा आदि का विस्तार से वर्णन किया गया, उस मंडप में, रास मंडस में 36 लाख युथेश्वरियों का प्रवेश हुआ, और प्रति गोपी प्रति श्याम भगवान ने रूप बनाए और रास मंडल में रास शुरू कर दिया। और जैसे ही रास मंडल में रास शुरू हुआ, 36 लाख गोपियां और 36 लाख भगवान के स्वरूप। और देखिए हम कितने शरीर हैं इस धरती पर, जितने भी शरीर हैं इस धरती पर, उन सब में चेतन के रूप में कृष्ण ही विराजमान हैं। और जिस जिस चित्त में आनंद की उत्पत्ति होती है, जिस जिस चित्त में आनंद प्रकट होता है, उस हर शरीर में भगवान ही प्रकट होकर रास कर रहे हैं। आज भी भगवान ने अनगिनत रूप बनाए कि नहीं हमारे बीच में, चेतन के रूप में तो वही बैठा, चेतन के रूप में तो और कोई नहीं, तो हर शरीर में कृष्ण ही मौजूद हैं। तो भगवान ने रास मंडल में रास शुरू किया, और जब रास प्रारंभ हुआ तो कहते हैं सब गोपियों के मुख कमल प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गई, विभोर हो गई, और मन में आया कि समस्त संसार की स्त्रियों में मैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अभी अभी अभिमान आया था तो भगवान वापस लौटा रहे थे, फिर इसने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगकर फिर भगवान ने आत्मसंयोग प्रदान किया, आत्मसंयोग प्रदान किया, इसमें फिर अहंकार आ गया। संसार की समग्र स्त्रियों में हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये सोचने लगी, और राधा रानी को तो उससे भी ज्यादा गर्व हुआ। राधा रानी सीधा भगवान के पास गई और जाकर कहने लगी, आप तो थकते नहीं, आप तो रास करते हुए रास करते रहते हो। तो भगवान ने कहा फिर क्या करें, बोले मैं थक गई हूं। बोले फिर क्या करें, बोले हमें अपने कंधों पर बिठा लीजिए ना। कभी कोई आपके सिर चढ़ा है? लोग सिर चढ़ते हैं ना, मुहावरा है ना, देयर इज अ सेइंग, कहवत छे, सिर चढ़ना। ये कहावत कब से बनी? यहीं से बनी, जब से राधा रानी भगवान के कृष्ण, भगवान कृष्ण के सिर चढ़ी। और जो सिर चढ़ते हैं उनको क्या करना पड़ता है, बोलो ना जी। हाँ माता जी बिल्कुल सही बोली, उतारना पड़ता है, बिल्कुल ठीक बोली। और राधा रानी ने कहा हम थक गई हैं, हमें आप अपने कंधों पर चढ़ा लीजिए। भगवान मुस्कुराए, ये नौबत भी आनी थी, ये दिन भी देखना था। एक तो हमने क्षमा किया और आत्मसंयोग प्रदान किया, और अब ये क्या कर रहे हैं, बोलो ना जी, सिर पे चढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आवाओ चढ़ो। भगवान झुके और देखने के लिए चढ़ते हैं कि बस बोल ही रहे हैं। और भैया जैसे ही भगवान झुके, राधा रानी चढ़ने लगी, भगवान ने कहा हद हो गई। अच्छा भगवान ने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा, और जानते हो कहना बहुत बड़ी गलती है। क्या करना चाहिए जो भगवान करते हैं, बी साइलेंट एंड देन बी अवे।
चुप करके दूर हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भगवान अलोप हो गए। और जैसे ही अलोप हुए, राधा रानी धड़ाम से नीचे गिरी, चढ़ने लगी थी ना, नीचे गिरी और जो सारे रूप थे वो सारे के सारे विलुप्त हो गए। और सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, कहां गए, और कहते हैं भगवान कदंब के पीछे छिप गए थे। और संस्कृत में कदंब का अर्थ होता है अहंकार, और भगवान अहंकार के ही पीछे छिप जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाई। इसमें दो रह नहीं सकते, मैं और तू दोनों इकट्ठे समा नहीं सकते, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। इसलिए भक्त इसको जानते हैं और मैं को विराम दे के तू में लीन हो जाते हैं, बस तू ही तू है। बंधुओं, भगवान विलीन हुए, चुप हुए और दूर हो गए, बोला कुछ नहीं। गोपियां ढूंढने लगी, ये गलती दूसरी बार हुई है। पहली बार तो भगवान ने गलती देखकर क्षमा कर दिया, लेकिन एक ही गलती को कोई बार बार करे तो फिर उस व्यक्ति के साथ संयोग नहीं होना चाहिए। भगवान ने दूर कर दिया या दूर हो गए, बड़ा फर्क है। दूर किया नहीं, दूर हो गए, विलुप्त हुए, विलीन हुए। और भगवान छिपकर कदम के पीछे जो अहंकार है, छिपकर देखने लगे। गोपियों ने पहले क्या किया, भगवान को ढूंढा? नहीं नहीं नहीं, पहले भगवान को नहीं ढूंढा, पहले राधा रानी को ही भगवान की तरह सजाया, उनके हाथ में वेणु दी, आर्टिफिशियल कृष्णा, डुप्लीकेट किया भगवान को, राधा रानी को कृष्ण बनाने के बनाकर उनके साथ लीला करने की कोशिश की, लेकिन आनंद नहीं आया। फिर बोला बैड आइडिया, छोड़ दो इसको, राधा रानी को कहे सब श्रृंगार उतार, कोई फायदा नहीं हुआ। कृष्ण का लाभ तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। ढूंढने लगी भगवान को चहुं ओर, कभी लता पता से, कभी यमुना के जल से, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन भगवान मिले नहीं। खोजती रही खोजती रही, और महाराज हर जगह जाकर तुलसी से पूछा, सबसे पूछा, लेकिन जब भगवान नहीं मिले, गोपियों ने हार कर तब अपनी गलती को स्मरण किया और प्रायश्चित में गोपिका विरह गीत गाए, जो 19 श्लोक हैं, जिनको कंठ हैं मेरे साथ गाइएगा, नहीं तो ऑन अवर ई बुक्स वी हैव गोपी गीत विद मीनिंग्स, यू कैन ओपन अवर ई बुक्स एंड सर्च फॉर गोपी एंड इट विल टेक यू टू गोपी गीत। तो पाठ करके मेरे साथ श्रद्धा से एक बार इन 19 श्लोकों का पाठ करेंगे, सभी मिलकर प्रेम और भावना के साथ, बड़े प्रेम से गोपियां ये गोपी गीत गाने लगी। गोप्ययुचुहु जयति तेधिकं जन्मन व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही दयत दृश्यता दिक्षुतावक स्तवई धृत स्वस्त्वं विचिन्वते। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव शरदुदाशये साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते
शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंवद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा परश मारुता वैद्यतानुला ग्रीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् रक्षिता मुहुर्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। विरचिता भयम् वृषिण धुर्यते चरण मीयुषाम संसृतेर्भया करसरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। व्रज जनार्ति हन वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणत देहिनाम पापकर्षनम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिपनार्पितम ते पदंबुजम कृणुकुचेशुना क्रंदिहर्षयम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तव कथामृतम सप्तजीवनम कविपीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरि राजना। श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यानमंगलम रहसि संविदौ या हृदि स्पृश कुहत नो मना क्षोभयन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चलसि यत् व्रजान् चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल प्रणाङ्कुरै सीदतीति न कलिलतां मना कांत गच्छति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दिन परीक्षये नीलकुंतलये नुनं विप्रदाव्रतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरम् वीरयच्छति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणि मंडनम् धैयमापदि चरण पंकजम् शंतमं चते रमननस्तनैर्वर्पयाधिहन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुर
शतवर्धनम शोकनाशकम स्मरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागवी स्मारणम ऋणाम इतर वीरनास्तेथरामृतम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाथ नारायण वासुदेवा अतति यत् भवान् अहनि काननो त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् च ते जड उदीक्षताम् पश्मकृदृशाम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाथ नारायण वासुदेवा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्बय अच्युता कथा कतिविदस्तवोत्कीत मोहित कितव योषित कस्य जैनिषी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाथ नारायण वासुदेवा रहसि संविदम् प्रेम वीक्षणम् बृहदरहस्यो वीक्षधामते मुहुरति स्पृह मुह्यते मना श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनाथ नारायण वासुदेव व्रजवनौकसां व्यक्तिदङ्गते व्रजिनहयं प्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाचनं स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृदृजां यन्निषोदनम् श्रीकृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रिय कदिमहि कर्कशेषु तेनाद्विमतसि तत् यथ तेन किं सुत् पुरपादिभिर्दीर्भवदायुषाम् विरह में आकुल होकर भगवान को ढूंढने लगी। भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, देख रहे थे इनका मान मर्दित हुआ है कि नहीं हुआ। और किसी भी अपराध की सजा मृत्युदंड नहीं होता, अपराध का संशोधन ही अपराध का दंड है। यू इंप्रोवाइज ऑन योर मिस्टेक्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। एंड इफ यू डोंट लर्न योर सेल्फ, Lord is there for you to make you learn। और भगवान ने तब अपनी दूरी से, अपनी चुप्पी से, silence and getting away, distance, two things work wonders। When you want to someone else to realize their mistakes, you don't share a word, mute, pause and distance। दो चीजें सबसे बड़ा काम करती हैं। किसी को डांट कर आप ठीक कर सकते हैं, बोलो ना भैया, मूर्ख डांटते हैं। सियाने क्या करते हैं, ठाकुर जी की तरह ना कुछ बोलते हैं और ना पास आते हैं, दूर हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अच्छा, फिर जो दूर हुआ है वो तो नहीं डांट रहा, लेकिन जिसको डांटना था वो खुद को डांटता है, मैंने गलती की,
इसलिए ठाकुर दूर हुए। और गलती क्या की, हम क्यों बताएं गलती क्या है? What is realization? Someone else's tell you or you reach there yourself. Realization is not someone else in telling you. You reach there yourself. What is your mistake? And then only you can rectify it. If someone else tells you, you will feel offended. But once you realize it yourself, you don't feel offended, yet you want to work on it. How to improvise on it? और भगवान ने मौका दिया, उसे वेस्ट में कहते हैं टाइम एंड स्पेस। गिव टाइम टू पीपल एंड गिव देम स्पेस एंड लेट देम रियलाइज देमसेल्व्स। आगे से किसी को सबक सिखाना हो तो कैसे सिखाना है? लड़के बोलो ना जी, बी क्वाइट, और दूर खड़े होके देखते रहो क्या कर रहे हैं। कीप अ वॉच, डोंट शट योर आईज, कीप अ वॉच लाइक कृष्णा डिड। दूर से खड़े होकर देखते रहे और देखा जब रो रो कर विरह में गोपियों का हृदय शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तब भगवान कदंब के पेड़ के पास से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए गोपियां प्रसन्न हुई, आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई, जैसे बगैर जल की मछली को जल मिल गया हो। कृष्ण के आने से इनकी स्थिति ऐसी ही हो गई। और तब भगवान आए रास मंडल में, उनके विरह गीतों के अंदर के प्रायश्चित को देखकर, अहंकार के विसर्जन को देखकर, और भगवान ने उनको फिर से अपना आत्मसंयोग प्रदान किया। और भगवान ने फिर बांसुरी बजाई। और अब तो भैया आज के कथा को पूर्ण करें उससे पहले गरबा करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या किया ठाकुर ने? बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शुभ जी तीन लोक न्यारी, वृंदावन वंशी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन वंशी बजी तीन लोक न्यारी, वृंदावन वंशी बजी तीन लोक न्यारी, बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। हरि बोल। सुंदर श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुधारी,
श्याम मोहिनी मूरत नटवर वपुधार शूल ऊपर मदन मोहन चंदन बलिहार शूल ऊपर मदन मोहन चंदन बलिहार बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरार शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनार शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनार बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मने खारो खारो जमना जीणो पानी लागे ओ मीठे रस से भरियो री राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो जमना जीणो पानी लागे खारो खारो जमना जीणो पानी लागे जी तो करी करी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो करी करी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा झुकी हो ब्रज धाम राधा झुकी ब्रज धानी लागे ब्रज धानी लागे मन खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे मन खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मन खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मुरली में तेरे सुमिर बारंबार कान्हान मुरली में तेरे सुमिर बारंबार कोटिन रूप धरे मन मोहन तौना पावे पार कोटिन रूप धरे मन मोहन तौना पावे पार रूप रंग की छबिली हो रूप रंग की छबिली महारानी लागे पटरानी लागे मन खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मन रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमना जीणो पानी लागे खारो खारो जमना जीणो पानी लागे ओ खारो खारो जमना जीणो पानी लागे मन खारो खारो माखन मिश्री अपना कोई मिठाई न भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई मारी जीबड़िया ने भावे राधा नम मलाई मारी जीबड़िया ने भावे राधा नम मलाई वृष भानु की ललित वृष भानु की ललित गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे
खरो खरो जमुना जीनो पानी लागे, मीठे रस से भरेरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खरो खरो जमुना जीनो पानी लागे, मन खरो खरो जमुना जीनो पानी लागे, खरो खरो जमुना जीनो पानी लागे, मन खरो खरो राधा राधा नाम रट थे जिन रया ठोया, राधा राधा नाम रट थे जिन रया ठोया, इनकी बाधा दूर कर थे राधा राधा नाम, इनकी बाधा दूर कर थे राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल हो, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, हमी खे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, खारो खारो जमना जीनो पानी लागे, मने खारो खारो जमना जीनो पानी लागे। और वृंदावन में ऐसी वंशी बजी, आप गरबा करते रहिए क्योंकि और गरबा होने वाला। शंकर जी तक आवाज गई और शंकर जी के कान में जैसे ही आवाज पहुंची पार्वती को क्या कहने लगे, एक दिन वो भोला भंडारी हो, एक दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, पार्वती भी मना के हारी हो, पार्वती भी मना के हारी न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, एक दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, रास रचा है ब्रज में भारी हो, रास रचा है ब्रज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, मोहन के सिवा कोई दूसरा पुरुष न जाए रास में, मोहन के सिवा कोई दूसरा पुरुष न जाए रास में, हसी करेगी ब्रज की नारी हो, हसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई
सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा दे गजरा और पहन के साड़ी, लगा दे गजरा पहन के साड़ी, काल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दिन वो भोला भंडारी शंकर के प्रति नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंस कर सती जी बोली जाओ बलिहारी तेरे वेश पे, हंस कर सती जी बोली जाओ बलिहारी तेरे वेश पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी किसी वेश में, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी किसी वेश में। पुनः रूप बनाया तो पुरारी, हो पुनः रूप बनाया तो पुरारी, अब की बारी तुम्हारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को। ऐसी बजाई वंशी सुध बिसराई भोलेनाथ को, ऐसी बजाई वंशी सुध बिसराई भोलेनाथ को। सिर से खिसक गई तब साड़ी, सिर से खिसक गई तब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी कंकर के व्रत की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, I
अपार में नंद कुमार में निरी प्यारी कहे राधे प्यारी में बलिहारी श्रावण जल बरसे सुंदर सर से बादल बरसे अंबर से तरुवर गिरी बरसे लता लहर से नदियां बरसे सागर से हम दंपति सुख तर से सेज सामर से लगन सहार से दुखकारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुले आवो गिरधारी निरे गोकुले आवो गिरधारी निरे गोकुले आवो गिरधारी सावर नामे कण राम पाठ दार
भजन ए लट पट कट गट नी पट लाले को काटियां ती उह कट त्रूटा गया ती दीन गाट मान डार मात लाट ला पट लाले जमुना तट प्रागट आमारी आट राट जूट सूर थाट खे खट तेना सामे रास रमता रहा छह मास और वो रास की घड़ियां कम नहीं हुई। कल कथा की पूर्णा होती है। बड़े भावर प्रेम से कल कथा के समापन काल में कथा को पूर्ण करेंगे परीक्षित उद्धार के साथ और यदुवंश के विनाश के प्रसंग के साथ। बड़े भावर प्रेम सहित सभी से प्रार्थना अपने स्थान पर खड़े होकर हम सब ठाकुर जी की मंगलमयी आरती भाव और प्रेम सहित करेंगे। विशेष प्रार्थना सब अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करें श्रद्धा के साथ और भावना के साथ। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सुरजो जायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत सब आरती उतारो मेरे लालन की नंद लालन की राग मधुबंती सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की मेरे लालन की नंद लालन की मेरे लालन की नंद लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती यशोमती करत आरती गिरधर लाल गोपालन की गिरधर लाल गोपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंसन कंदन जगबंदन कंसनि कंदन जय जगबंदन कृष्ण कृपालु दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन सब मंगल गावत व्रज जन मिल सब मंगल गावत छवि निरखत नंद लालन की
तुलसी मालन की, ओ पर तुलसी मालन की, हरती करो मेरे लालन की, सब हरती करो मेरे लालन की। कृष्ण दास बलिहार छवि पे कृष्ण
की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या प्राणी मात्र की हत्या गंगा मैया की गीता मैया की गायत्री मैया की भारत माता की सदा सब देशों की सब धर्मों की सब पंथों की सब संतों की सब ग्रंथों की जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जगदम्बे मात की गोवर्धन नाथ की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय